ही गाइस वेलकम टू wealthdekho.com। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं LIC IPO फॉर द एजेंट्स एंड द एम्प्लॉय, उनके लिए क्या स्पेशल बेनिफिट्स है। साथ में हम LIC का GMP जानेंगे, ताकि अगर आपको लिस्टिंग गेन कमाने हैं तो किस तरह से आप यहां पे कमा सकते हैं। तीसरी चीज, जिन लोगों को भी LIC के लिए स्पेशली डीमैट अकाउंट खुलवाने के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, उन सभी के मैं FAQs जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर लेते कि LIC IPO जो है एम्प्लॉयज के लिए क्या बेनिफिट है। तो जो भी यहां पे LIC का एम्प्लॉय है उसको यहां पे स्पेशली 45 रुपीज़ का यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। तो उनके लिए पर शेयर की यहाँ पे जो फाइनल प्राइस रखी गई है वो है 904। जी हाँ, साथ में गाइस यहाँ पे अदर एडवांटेज ये, एज ए एम्प्लॉय आप तीन कैटेगरी के अंदर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पहली तो आपकी खुद की एम्प्लॉय कैटेगरी हो गई, जिसके अंदर आप मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ तक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। सेकेंड, आपकी पॉलिसी होल्डर है, अगर लेट सपोज अगर आप एज ए एम्प्लॉय भी अपनी LIC जो आपने खुद ने भी करवा रखी है एज ए पॉलिसी होल्डर, तो आप इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है ऐसे रिटेल कैटेगरी, अगर आपके पास में पॉलिसी भी नहीं है, आप एम्प्लॉय भी नहीं है, तो ये वाली जो कैटेगरी है, मतलब आप एज ए एम्प्लॉय तीनों कैटेगरी के अंदर यहां पे एक ही एप्लीकेशन जो है लगा सकते हैं बिल्कुल इजीली। अगर गाइस मैं एजेंट्स की बात करूं तो एजेंट्स के लिए यहां पे कोई भी स्पेशल बेनिफिट नहीं दिया गया है, उनको सिंपली रिटेल और पॉलिसी होल्डर वाली कैटेगरी के अंदर ही रखा गया है। मतलब अगर आपके पास में पॉलिसी है तो आप सिंपली पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, वरना सिंपली आप यहां पे रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं कि LIC के IPO में जो इन्वेस्ट करने चाह रहे हैं जो रिटेल इन्वेस्टर, उनके क्या रीजन हो सकते हैं। तो देखिए, दो हमेशा रीजन होते हैं किसी भी IPO के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। पहला हो सकता है आपका लिस्टिंग गेन। तो देखिए, अगर आपको लिस्टिंग गेन कमाना है तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि लिस्टिंग जब भी होगी तो उस दिन यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई क्या रहेगी। क्योंकि गाइस यहाँ पे IPO कंपनी का कोई भी शेयर यहाँ पे अप और डाउन जाएगा, वो टोटली उस दिन मार्केट के अंदर कितनी डिमांड और सप्लाई चल रही है उस शेयर की, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी राइट नाउ अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं, मतलब कि बेसिकली जो ऑफलाइन मार्केट के अंदर जो सौदा चलता रहता है जो भी IPO से पहले शेयर आते हैं उनका, तो अभी राइट नाउ यहाँ पे 85 रुपीज़ का चल रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप अपने जो भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उस पर 8.96% का यहाँ पे इजीली रिटर्न आप यहाँ पे कमा सकते हैं। अब कहीं जरूरी नहीं कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो हमेशा फिक्स रहेगा, तो यहाँ पे आपको 4 महीने तक जो है चेकआउट करते रहना पड़ेगा कि हर दिन यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। कोई भी यहाँ पे IPO जब भी सक्सेसफुल होता है तो फर्स्ट डे एक तो वो ओवर सब्सक्राइब होता है, तो आपको फर्स्ट डे जो है 4 मई को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि LIC का IPO कितना ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, उससे आपको उस IPO की यहाँ पे डिमांड पता चल जाती है। सेकेंड थिंग होता है GMP, अगर उसका दिन ब दिन यहाँ पे GMP इंक्रीज होता है तो काफी ज्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं आपके लिस्टिंग गेन कमाने के। अब गाइस लिस्टिंग गेन कैसे कमाना है, IPO के जो दिन है आपको शेयर प्राइस यहाँ पे कैसे सेल आउट करना है, इसके ऊपर मैं एक पूरी सीरीज बना चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने IPO ASB के बारे में प्लस लिस्टिंग डे के दिन आपको कैसे शेयर सेल आउट करने हैं, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, कैसे आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं, ये पूरी एक लिस्ट जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँ। अब गाइस बात करते हैं सेकंड कैटेगरी वाले, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए। तो देखिए, ये वाले जो टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, तो अगर मान लीजिए आपको 4-5 महीने होल्डिंग पीरियड रखना है LIC के शेयर को, तो उसके लिए यहाँ पे आपको खुद का एनालिस करना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको खुद को चेकआउट करना पड़ेगा, LIC का पूरा बिजनेस उसको समझना पड़ेगा, प्लस उसका एक सही वैल्यूएशन लगाना पड़ेगा। अभी राइट नाउ अगर हम लोग बात करें तो LIC जो है राइट नाउ वैल्यूएशन कम है, लेकिन LIC के पास में कुछ प्रो और कॉन्स है, तो आप जो है मेरा अदर वीडियो चेकआउट कर सकते हैं जहाँ पे मैंने बताया था कि LIC का IPO गुड है या बैड। अब गाइस बात करते हैं कुछ FAQs को लेकर जो कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए LIC के IPO के लिए हो सकते हैं। पहली चीज, कई लोगों का क्वेश्चन ये था, अगर लेट सपोज मेरे पास में एक LIC पॉलिसी मेरे फादर के नाम पे, मेरे नाम पे नहीं है, लेकिन मेरे पास में डीमैट अकाउंट है, तो क्या मैं एज ए शेयर होल्डर या पॉलिसी होल्डर जो है बेसिकली उसके अंदर अप्लाई कर सकता हूं? तो बिल्कुल आप जो है यहां पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पे मैं आपको रीजन बताना चाहूंगा। आपका सिंपली जो डीमैट का DP ID होता है उसके साथ में जो भी पैन नंबर लिंक होगा, वो पैन नंबर जो है क्रॉस में होना चाहिए पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी के साथ में। जी हाँ, तो अगर ये क्रॉस मैच नहीं होगा तो आपने जो एप्लीकेशन लगाई होगी वो फेल हो जाएगी। तो उसके लिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, पहली चीज अगर आपके पास में पॉलिसी है भी तो एटलीस्ट स्टेटस चेक कर लो कि आपका पैन नंबर लिंक है या नहीं है। अगर लिंक नहीं है तो हमेशा याद रखना आपको रिटेल कैटेगरी के अंदर ही अप्लाई। सेकंड थिंग है गाइस, क्या आप मल्टीपल एप्लीकेशन लगा सकते हैं रिटेल कैटेगरी या पॉलिसी होल्डर? बिल्कुल आप मल्टीपल लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास में पॉलिसी है, उसके बावजूद भी यहां पे मैं नॉर्मल कैटेगरी और पॉलिसी होल्डर कैटेगरी दोनों के अंदर अपनी एप्लीकेशन यहां पे लगा सकते हैं। साथ में गाइस जिन लोगों भी यहां पे डीमैट अकाउंट खुलवाने के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली केवल LIC के IPO के लिए आपको सिर्फ एक डीमैट अकाउंट चाहिए, तो यहां पे मैं हाईली रिकमेंड करूंगा ग्रोको, क्योंकि ये एक ऐसी इकलौती कंपनी है जो कभी भी आपसे AMC चार्ज नहीं करेगी, लाइफ टाइम फ्री आपका अकाउंट रहेगा, ना ही कोई ओपनिंग फीस रहती है। मतलब आपकी अल्टीमेटली जो कॉस्ट है वो यहाँ पे जीरो हो जाती है LIC के IPO को अप्लाई करने के लिए। तो गाइस आप मेरी लिंक के थ्रू जरूर साइन अप कीजिएगा, यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ का बोनस भी मिलेगा। सो ये गाइस मैंने कुछ यहाँ पे जो चीज़ें आप लोगों के साथ में LIC IPO के लिए डिस्कस की। इसके बाद में अगर आप IPO से रिलेटेड कुछ और अधिक जानकारी चाहते हैं तो ये वाले जो मेरी इन्वेस्टमेंट सीरीज है पूरा उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।